हेलो एवरीवन, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है, देखो इस क्वेश्चंस के अलावा और अगर किसी का कोई डाउट हो तो बताना, ये सब क्वेश्चन कमेंट्स में लिखा हुआ था, बाकी सबका इसमें कवर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, 27 में क्या बोल रहा है? 27 में क्या हो गया? विच सेट सबसेट ऑफ ऑल दिस सेट, कौन सा सेट होता है जो हर एक सेट का सबसेट होता है? अब्दुल बशीर हो जाएगा 27। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, 34 लेट y इक्वल टू e टू द पावर x, ये वाला पार्ट अभी हम लोग करेंगे, ठीक है? 34 अभी रहने दो, अभी जस्ट अभी आपको y इक्वल टू e की पावर x या e की पावर माइनस x का कर्व नहीं पता है, ठीक है? तो उस क्वेश्चन को कर लेंगे, अभी 34 अभी रहने दो, ठीक है? 34 बाद में करेंगे, आज के लेक्चर के बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। 37, 37 ए बी सी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, देन ए बी किसके इक्वल है? क्या करोगे? अगर बी और सी इक्वल हो जाए, देखो ऑप्शन में, बस ऑप्शन से आप क्रॉस चेक कर सकते हो। 37 में, 37 किसका डाउट है? शाहनूर, देखो क्वेश्चन को आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ऑप्शन में देखो ए इक्वल टू बी है, तो आप जो कंडीशन दिया हुआ वहां पे आप ए इक्वल टू बी पुट करके देखो कि क्या वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक ना? ए इक्वल टू बी पुट करोगे तो वो नहीं आएगा, बी इक्वल टू सी पे शायद देखो वो सही हो रहा है ना? और ए बी सी अगर तीनों इक्वल हो जाए तो भी शायद सही होना चाहिए। अगर आप b इक्वल टू सी कर दोगे तो फर्स्ट वाला कंडीशन तो ट्रू है, सेकंड वाला कंडीशन भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है? अगर ए बी सी अगर इक्वल हो जाएगा, तीनों अगर इक्वल है तब तो कंडीशन ट्रू ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो b इक्वल टू सी तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक ना? अब अगर आप ये भी चेक कर लो कि a इक्वल टू सी हो सकता है कि नहीं, तो a इक्वल टू सी पुट करके देख लो, ठीक है? तो ऑप्शन से इसमें क्रॉस चेक कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि इस मेथड को सॉल्व करने का जो तरीका है, हाँ, इस मेथड को जो सॉल्व करने का तरीका है वो थोड़ा सा क्या होता है, लेंदी होता है। सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में या एनसीईआरटी में हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, है ना? यहाँ पे ए इक्वल टू बी प्रूफ करना था, तो हमें ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए प्रूफ करना था, है ना? तो वो एक्चुअली में लेंदी प्रोसेस है, सब्जेक्टिव के लिए हम वो मेथड से सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ऑब्जेक्टिव में हम उतना लंबा मेथड सॉल्व थोड़ी ना करेंगे, है ना? ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है, 30 सेकंड का टाइम मिलता है ना? तो उस हिसाब से हमें करना है। ऑप्शन से आप क्रॉस चेक कर सकते हो, अगर ऑप्शन आंसर मैच कर रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? 37, 37 के बाद 43, 44 सेम टाइप का है। देखो 43 में क्या डाउट हो गया, n ऑफ a जिस तरीके से डिफाइन किया हुआ है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। देखो n ऑफ a किस तरीके से डिफाइन किया है, n ऑफ a को इसने डिफाइन किया a टाइम्स n, स्मॉल n, ठीक है? a टाइम्स n, और n किसको बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर को, क्लियर है? तो 43, 44 सेम टाइप का है, ठीक है? देख लेना। देखो n ऑफ a निकालने के लिए n ऑफ a को इस तरीके से उसने डिफाइन किया है, ठीक है? अब देखो जो हमें एलिमेंट सेट दिया हुआ है वो बोल रहा है n ऑफ 5 इंटरसेक्शन n ऑफ 7, तो n ऑफ 5 आप क्या लिखोगे? n ऑफ 5 क्या होगा? 5 टाइम्स n, n बिलोंग टू n, क्लियर है? और n ऑफ 7 क्या लिखोगे? 7 टाइम्स n, n बिलोंग टू n, क्लियर है? किसका किसका डाउट था? 43, सौमी कुपासना, ठीक है? देखो इस तरीके से अब्दुल, इस तरीके से क्या होता है कि क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्मेट में वो डिफाइन करके दे सकता है, ठीक है? हर चीज पॉसिबल नहीं है कि आपको क्लास में कराया जाए, ठीक है? कुछ चीजें वहां पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपने पहले कभी देखा नहीं होगा,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको कर नहीं सकते, है ना। सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, सब कुछ कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड किया हुआ है, ठीक है ना। बस वो डेफिनेशन जो डिफाइन किया जाता है, वो डिफाइन करने का तरीका उसने कुछ अलग ले रखा है ना। तो यहां पे उसने n ऑफ a लिखा हुआ है, तो जैसे जैसे डिफाइन किया हुआ है आप बस उसी प्रोसेस में बढ़ते जाओ। तो n ऑफ 5 कैलकुलेट कर लिया, n ऑफ 7 कैलकुलेट कर लिया। अगर कोई मुझसे पूछता है कि n ऑफ 5 का एलिमेंट क्या होगा, तो आप क्या क्या बताओगे? n किसको बिलोंग करेगा? n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, है ना। स्मॉल n किसको बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर को। तो नेचुरल नंबर की वैल्यू आप पुट करते जाओ, तो n ऑफ 5 में क्या आएगा आपके पास? 5, 10, 15। और इस टाइप से आपको समझ में आ रहा है कि किसका मल्टीपल्स काउंट हो रहा है? 5 का मल्टीपल्स आ रहा है। और इस वाले में आपके पास क्या आएगा? 7 का मल्टीपल आएगा, 7, 14, 21, 25, 28, 35। इस टाइप से आपके पास नंबर मूव करता जाएगा, ठीक है। अब देखो, हमें बस ये देखना है कि इसने क्वेश्चन में ये पूछा है कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, है ना। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? दोनों का इंटरसेक्शन, जो क्योंकि देखो यहां पे 5 और 7 क्या है, अपने आप में प्राइम नंबर है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर आप निकालोगे तो कौन आएगा? वो 35 का मल्टीपल ही काउंट होगा, है ना। तो देखो इसमें कहीं ना कहीं एक 35 का टर्म आएगा, तो ये 35, ये 35 कॉमन होगा। नेक्स्ट कौन सा टर्म कॉमन होगा? नेक्स्ट 70 वाला टर्म कॉमन होगा, उसके बीच में और कोई टर्म आपको कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको लिखना होगा, n ऑफ 5, n ऑफ 7 अगर आपको लिखना होगा, तो आप क्या लिखोगे? n ऑफ 35, है ना। तो 35 का मल्टीपल आएगा, क्लियर है सबको, है ना। तो क्वेश्चन के नोटेशन को समझो कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है। वैसे ही सेम 44 भी है, 44 कर पाओगे? अब उसने 3 को बाहर ले लिया, बस नोटेशन डिफरेंट कर रहा है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 में क्या हो गया? 48 बस उसको इंटरसेक्शन के फॉर्म में ब्रेक करते जाओ, 48 सॉल्व नहीं हो रहा है। a माइनस बी यूनियन b माइनस सी यूनियन c माइनस a का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देखो अगर मेरे पास 3 सेट हैं, ठीक है, तो मैं अगर इसका इस तरीके से लिखूं, अगर मैं वेन डायग्राम से एक बार सोचता हूं कि देखते हैं कि वेन डायग्राम से सॉल्व होता है कि नहीं, ठीक है। अगर वेन डायग्राम से सॉल्व नहीं होगा तो फिर हम प्रॉपर्टी वाले मेथड पे चले जाएंगे। तो ये ए बी सी है और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ए माइनस बी कौन सा होगा? हमसे क्या पूछा है इसने? ए माइनस बी, बी माइनस सी। ए माइनस बी देखो कौन सा पार्ट है? ए माइनस बी ये वाला पार्ट है, यूनियन बी माइनस सी। तो बी माइनस सी करोगे तो कौन सा मिलेगा? ये वाला मिलेगा। और सी माइनस बी करोगे, है ना, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, सी माइनस ए करोगे तो कौन सा पार्ट मिलेगा, है ना। और इन दोनों को जब आप इसका हमें क्या लेना है? कॉम्प्लीमेंट लेना है ना। तो इस सब का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इन तीनों का देखो, तो ये यूनियन एक्चुअली में किसके इक्वल है? देखो ए यूनियन बी, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, है ना। हमें इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट कौन सा होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट होगा आपका, इसका ये वाला होगा और ये वाला होगा, ये वाला होगा, है ना। तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे, बस वही आपको देखना है। हो जाएगा 48 का, है ना। सॉरी, ए यूनियन बी यूनियन सी हमें दिया हुआ है, इसका मतलब इसके बाहर वाला कोई पॉइंट है ही नहीं हमारे पास, है ना। तो एक और कंडीशन हमारे पास दिया हुआ है, ए यूनियन बी यूनियन सी ही हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल सेट है। तो ये देखो, इस वाले पार्ट का हमें क्या निकालना है? तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सिर्फ ये वाला पार्ट होगा। तो ये कौन सा पार्ट है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। तो वेन डायग्राम से आपको इजीली ये दिख रहा है
कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है आपको, क्लियर है, ठीक ना। तो बाकी सारे पार्ट में आपको ये चीज क्लियर हो रहा होगा कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो इसके अलावा और किसी क्वेश्चन में डाउट है क्या, इसके अलावा और किसी क्वेश्चन में डाउट, बाकी सब कंप्लीट हो गया 50 तक, ठीक है, 50 तक सबका क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो जाएगा, है ना, नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो जाएगा सबका, ठीक है। बाकी 20-25 क्वेश्चन और है तो वो कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट क्लास एक्सरसाइज 2 कंप्लीट, ठीक है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करो तो फिर हम आगे का चैप्टर सब करेंगे, है ना। तो बाकी आप कर लेना, ठीक है। सेट्स का क्वेश्चन हो तो पहले वेन डायग्राम के टर्म में सोचो, क्योंकि वो फिगर के थ्रू होता है तो क्वेश्चन करना थोड़ा सा इजी होता है। अगर वेन डायग्राम से नहीं होगा तो फिर हम प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लेना, जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग डिसीजन कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस दिया गया था ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, आप बताना कि किसी पार्ट में अगर आपको डाउट हो तो हम उसको डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट वाले में क्या है, फर्स्ट वाले में हमारे पास कर्व है -x² + 1 और y = 2x + 1, तो x = 0 पे ये क्या दे देगा, 1 दे देगा, और चेक करके बताओ सही है क्या, चेक करके बताओ, क्वेश्चन नंबर वन बताओ सही है सबका आ रहा है, क्वेश्चन नंबर वन देखो, वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर वन सबका क्लियर है, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, डोमेन रेंज बताओ, डोमेन क्या होगा इसका, सबका मैंने डोमेन रेंज निकालने के लिए बोला था, डोमेन आर है, रेंज क्या होगा, रेंज ये कितना होगा, -∞ to 1, सबका ग्राफ क्लियर है। नेक्स्ट सेकेंड ग्राफ पे आते हैं, देखो डोमेन रेंज मैंने साइड में लिख दिया है, मैच करा लेना, किसी का कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना। नेक्स्ट थर्ड सेकेंड पे आते हैं, सेकेंड वाले में y = 1/x और x है ना, तो देखो ये ऐसा कुछ कर बनेगा, बताओ सेकेंड का ये आ रहा है क्या, सेकेंड का ये आ रहा है, सौमिक सरकार -∞ को पहले लिखेंगे, छोटे वाले को पहले लिखते हैं, बड़े वाले को बाद में लिखते हैं, सेकेंड का बताओ, सेकेंड का बताओ, ये ग्राफ आ रहा है सबका, सेकेंड का सही है, ठीक है। डोमेन क्या लिखोगे, डोमेन क्या होगा, r-0 और रेंज में क्या आएगा, रेंज में आपके पास आर आ जाएगा, देखो बताओ यहां पे, देखो रेंज में डोमेन में जीरो वाला पॉइंट नहीं है, लेकिन रेंज में देखो कंप्लीट आर आ रहा है, किसी को डाउट है इसमें, डोमेन रेंज में, किसी पार्ट में डाउट है किसी को, डोमेन r-0 सही है और रेंज आर आएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड पे आते हैं, थर्ड में देखो x > 0 के लिए सेम कर्व है और <0 के लिए y = -x वाला कर्व है, तो ये वाला कर्व होगा, देख के बताओ, सेकेंड वाले का ये आ रहा है क्या, थर्ड वाले का ये आ रहा है सबका, थर्ड का देखो ये आ रहा है क्या सबका, सहानूर रेंज समझ में नहीं आ रहा है, रेंज के लिए क्या बोला था, बस आपको क्या करना है, लाइट जलाना है, लाइट तुम्हारा जल नहीं रहा सही से, लाइट जलाओ सब कुछ दिखेगा, लाइट जलाओगे तो देखो रेंज कहां से कहां तक बनेगा, यहां से यहां तक का सारा इमेज बनेगा, यहां से यहां तक का सारा इमेज बनेगा,
इस वाले पॉइंट पे जीरो का भी इमेज बनेगा क्योंकि ये लाइन वाला पार्ट यहाँ पे जीरो पे शेडो क्रिएट कर देगा। तो रेंज क्या हो जाएगा, पूरा रियल नंबर आ जाएगा। क्लियर है? बत्ती जलाओ तो दिखाई पड़ेगा रेंज और डोमेन। ठीक है, ये बताओ थर्ड में ऐसा ग्राफ आ रहा है क्या सबका? थर्ड में देखो ये ग्राफ दिख रहा है सबको क्या? थर्ड में ये ग्राफ आ रहा है, सॉरी पीछे वाले में एक बार ध्यान देना, फिर से पीछे वाले में देखना, जो पीछे वाले का फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये वाला कर्व था हमारे पास, क्या इसमें डोमेन में आर माइनस जीरो होगा या आर ही होगा, देख के बताओ थोड़ा सा। आर माइनस जीरो होगा या आर होगा बताओ फिर से एक बार। इस सेकेंड वाले ग्राफ में, जो सेकेंड वाला हम लोग कर रहे थे, ये सेकेंड वाला है, सेकेंड में क्या होगा? आर ही होगा। क्यों? क्योंकि जब आप इस डायरेक्शन से ऊपर वाले डायरेक्शन से या नीचे वाले डायरेक्शन से लाइट जलाओगे तो इस जीरो वाले पे भी इस लाइन का इमेज तो फॉर्म होगा, है ना? इसका फॉर्म नहीं होगा लेकिन इसका फॉर्म होगा, है कि नहीं? तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, आपका डोमेन आर हो जाएगा और रेंज भी आर हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना थोड़ा सा। तो लाइट थोड़ा सा सही तरीके से जलाना है। ठीक है, थर्ड पे बताओ, थर्ड का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसा कुछ ग्राफ होगा, एक y इक्वल टू माइनस एक्स है और एक ये ऐसा कुछ बन रहा है। इसका डोमेन क्या होगा, थर्ड का डोमेन क्या होगा, थर्ड का डोमेन क्या होगा, थर्ड का आर होगा। और रेंज क्या बताओगे, बताओ जल्दी से रेंज बताओ थर्ड का, थर्ड का रेंज बताओ क्या होगा, थर्ड का रेंज बताओ क्या होगा, थर्ड का रेंज क्या लिखेंगे, जीरो टू इंफिनिटी, देख के बताओ सही है क्या। हाँ चलो, तो अब आपको आइडिया मिल गया होगा कि एक्चुअली में कर्व हम कैसे ड्रॉ करते हैं, है ना? ग्राफ एक बार अगर हमारे पास प्लॉट हो जाए तो हमारे लिए डोमेन रेंज वन वन ऑन टू ये सब कुछ कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाता है ना? तो इसलिए हम अपना टाइम स्पेस स्पेंड कर रहे हैं कि कोई भी टाइप का कर्व हो एटलीस्ट हम ग्राफ प्लॉट कर पाए, है कि नहीं? नेक्स्ट आते हैं, इसी में एक और टाइप का कर्व होता है जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन सबका किया हुआ है, किसी को किसी पार्ट में डाउट है, किसी को किसी पार्ट में डाउट है क्या बताओ? मॉडुलस फंक्शन में फाउंडेशन कोर्स में मैंने इसमें सब कुछ डिटेल में, वन मॉड का प्रॉब्लम, टू मॉड का प्रॉब्लम, थ्री मॉड का प्रॉब्लम और इस टाइप से बहुत सारे मॉड्स के प्रॉब्लम सॉल्व कराए थे। वहां पे मैंने आपको ग्राफ नहीं बताया था लेकिन डेफिनेशन मैंने बताया था। डेफिनेशन सबको समझ में आ रहा है, मॉड का डेफिनेशन सबको समझ में आ रहा है। तो इन जनरल एफ एक्स इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, मॉड एक्स, है ना? और मॉड एक्स को हम कैसे ब्रेक करते हैं, याद होगा आपको, एक्स और माइनस एक्स में। एक्स कब होता है, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो और एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो। इस डेफिनेशन में किसी को डाउट है क्या बताओ? ये सब कुछ मैं फाउंडेशन में डिस्कशन कर चुका हूं इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ठीक है? इस वाले डेफिनेशन में बताओ किसी को कोई डाउट है, है ना? ये कैसे होता है, प्लस माइनस कैसे ब्रेक होता है, क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है? वहां पे बस मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं बताया था मैंने इसका, लेकिन एलजेब्रिक में कैसे मॉड को सॉल्व करना होता है, क्या होता है, मॉड को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब कुछ मैंने वहां पे डिस्कशन किया हुआ है डिटेल में। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो फिर से एक बार लेक्चर देखो। स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूं कि आपके पास अभी टाइम है, ये सब चीजें कवर करो क्योंकि ये सब चीजें इतना ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज होता है कि अगर ये सब में कहीं कोई डाउट होता है तो आगे का फिर प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होगा, समझ में ही नहीं आएगा, है ना? बताओ इस डेफिनेशन में किसी को कोई डाउट है, इस वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट है बताओ जल्दी से? डाउट है तो हम एक्सप्लेन करते हैं, नहीं डाउट है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताओ जल्दी लो सब लोग, कौन कौन लोग हैं? अब्दुल, दिग्बल,
सानूर सौमिक, उपासना, सुब्रजीत, बताओ किसी पार्ट में डाउट है किसी को? नहीं है। डेफिनेशन सबको क्लियर है कि मॉड कैसे ब्रेक होता है ना। अब यहां पे आप देखोगे कि यहां पे मॉड जो है, यहां पे जो मॉड है आपका, यहां पे जो आपका मॉड है अब्दुल बशीर, नहीं देखा है तो आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको कब से बोला जा रहा है? स्टार्टिंग से बोला गया, ग्रुप में मैंने लेक्चर भी शेयर किया था कि सब कुछ क्या हुआ है, आप स्टार्टिंग से सब कुछ देखो, नहीं देखोगे आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मॉड का काम क्या होता है? मॉड का काम होता है हर एक नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बनाना। ठीक है, इन जनरल टर्म में मैं ये बता देता हूं कि मॉड का काम क्या होता है, नेगेटिव टर्म्स को पॉजिटिव बनाना, और जो ऑलरेडी पॉजिटिव है उस पर यह कोई इफेक्ट नहीं डालता है ना। तो अगर कोई पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, जो नेगेटिव है उसको ये पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए ये क्या करता है, माइनस वन से मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने अगर ये नहीं देखा है, ठीक है, जिन लोगों ने ये नहीं देखा है वो लोग इस लेक्चर को कंप्लीट करो। ठीक है, लेकिन जल्दी से इसी वीक के अंदर आपको ये सब कंप्लीट करना है, क्योंकि आगे मॉड इतना ज्यादा यूज होता है कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कहां कहां मॉड आएगा। ठीक है, और अभी आप ग्राफ में देखोगे कि हम मॉड को कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मॉड का काम क्या है, मैं बस इन जनरल टर्म में लिख देता हूं, बाकी आप लोग लेक्चर में देख लेना जिसने नहीं देखा है, बाकी सब लोगों ने देख रखा है। तो मॉड का काम क्या होता है, नेगेटिव कन्वर्ट है ना, ये क्या करता है, चेंज द नेगेटिव पार्ट टू पॉजिटिव, नेगेटिव पार्ट टू पॉजिटिव, और इट डज नॉट चेंज दी पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, तो ये पॉजिटिव पार्ट में कोई चेंज नहीं करता है, लेकिन ये पॉजिटिव पार्ट में कोई चेंज नहीं करता है लेकिन नेगेटिव को ये पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, तो ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन होता है। ठीक है, इसके मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूं कि कैसे ये एक्स माइनस एक्स होता है, ये सब कुछ लेक्चर में किया हुआ है, आप लोग उसको एक बार रेफर कर लेना जिसको डाउट है और जिसने नहीं देखा है। तो अब अगर ये कर्व हमारे पास है तो इसको हम प्लॉट कर सकते हैं कि नहीं, है ना, वहां पे हमने मॉड एक्स को प्लॉट करना नहीं सीखा था। ठीक है, अब देखो क्योंकि हमें ब्रांच फंक्शन का आइडिया है ना, ब्रांच फंक्शन क्यों है समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो यहां से दो ब्रांच निकल रही है, एक एक्स और एक माइनस एक्स का। ठीक है, तो ये ब्रांच फंक्शन है, तो अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना तो ईजी है ना, इसमें कौन कौन से कर्व इन्वॉल्व है, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स, दोनों कर्व हमें प्लॉट करना आता है। ये देखो y इक्वल टू एक्स को मैंने डॉट लाइन से प्लॉट किया, y इक्वल टू माइनस एक्स को मैंने डॉट लाइन से प्लॉट किया। x ग्रेटर देन जीरो के लिए ये वाला लाइन कौन सा है, y इक्वल टू एक्स का है, ये वाला लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स का है। पॉजिटिव पार्ट के लिए x चाहिए तो x वाले पॉजिटिव पार्ट के लिए y इक्वल टू एक्स लाइन को मैंने डार्क कर दिया। ठीक है, ये देखो मैंने इसको डार्क कर दिया, और लेस देन के लिए हमें क्या चाहिए, माइनस एक्स, तो मैंने माइनस एक्स वाले लाइन को डार्क कर दिया। ठीक है, तो ये शेप कैसा बन रहा है देखो, बाकी सबको मैंने हटा दिया है, ये देखो ये आपका कर्व है ना, तो ये किसका कर्व है, y इक्वल टू मॉड एक्स का कर्व है ना, और इसको हम क्या बोलते हैं, वी शेप। ये कैसा कर्व होता है, वी शेप्ड कर्व। ठीक है, तो अगर मॉड का कर्व हमेशा क्या होगा, वी शेप का ही होगा, और ये वी शेप का जो ये पॉइंट वाला पार्ट है, ये पॉइंट वाला वी कहां पे बनता है, ये देखो इस वाले केस में कहां पे बन रहा है, ओरिजिन पे बन रहा है। अब ये चीज हम ग्राफ से कैसे देख, सॉरी इक्वेशन से हम देख के कैसे बता सकते हैं कि ये कहां पे जीरो बन रहा है, तो सबसे पहली चीज आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये देखो फंक्शन जो है वाई इक्वल टू मॉड एक्स, ये कहां पे ब्रेक हो रहा है। ब्रेक होने का मतलब क्या हो गया, कि फंक्शन कहां से आगे अलग डिफाइन है, कहां से पीछे अलग डिफाइन है। तो यहां पे देखो जीरो वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, जीरो से आगे के लिए ये डिफाइन है, जीरो से पीछे के लिए ये फंक्शन डिफाइन है ना। तो ये फंक्शन एक्चुअली में कहां पे ब्रेक हो रहा है, ये फंक्शन आपका ब्रेक हो रहा है जीरो पे ही ब्रेक हो रहा है।
है ना। तो जीरो को हम क्या बोलते हैं इस पर्टिकुलर केस में, जीरो को हम बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। तो इस पर्टिकुलर केस में ब्रेकिंग पॉइंट हमारा क्या है जीरो है, क्लियर हो रहा है। और ये आप विदाउट ग्राफ प्लॉट किए हुए या इस तरीके से ब्रेक किए हुए भी निकाल सकते हो, है ना। तो जब भी आपको मॉड का ब्रेकिंग पॉइंट देखना है ना, तो ये हमारे पास मॉड का फंक्शन है। मॉड का ब्रेकिंग पॉइंट आपको देखना है तो आपको करना क्या है, मॉड के अंदर की जो चीज है इसको आप इक्वल टू जीरो कर दो, है ना। तो मॉड के अंदर जो भी चीज है उसको मैंने इक्वल टू जीरो किया, तो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई हमें जीरो मिल गई। एक्स की वैल्यू जीरो मिल गई इसका मतलब जीरो ही हमारा क्या है ब्रेकिंग पॉइंट है, ठीक है। और ब्रेकिंग पॉइंट पे ही ये क्या बनता है वी शेप बनता है, ठीक है। ये देखो ब्रेकिंग पॉइंट पे ही ये क्या बनता है अब वी शेप बनता है। तो ये देखो वी शेप हमारा कहां पे बन रहा है जीरो पे ही बन रहा है, क्लियर है सबको, जीरो पे ही हमारा ब्रेकिंग पॉइंट बन रहा है ना। तो जब भी आपको ये एक्चुअली में किसके लिए ट्रू है सिंगल मॉड के लिए ट्रू है, ठीक है। डबल मॉड ट्रिपल मॉड में क्या होता है वो मैंने क्लास में अलग से डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। तो उन सब पार्ट को आप देखना। तो सिंगल मॉड के लिए हमेशा हमें क्या पता होना चाहिए ब्रेकिंग पॉइंट होना चाहिए, ब्रेकिंग पॉइंट पता होना चाहिए। अब देखो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप इस वाले कर्व को प्लॉट कर सकते हो क्या, क्या आप इस वाले कर्व को प्लॉट कर सकते हो क्या, वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन। तो वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन का ब्रेकिंग पॉइंट कहां पे होगा, है ना, क्योंकि हमें पता है कि इसका जो कर्व बनने वाला है वो कैसा बनने वाला है वी शेप का ही बनने वाला है ना। लेकिन वी शेप कहां पे बनेगा हमें वो फाइंड करने के लिए ब्रेकिंग पॉइंट पता करना पड़ेगा। तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट हम कैसे पता करेंगे, मॉड के अंदर की चीज को हमें क्या करना है जीरो के इक्वल करना है ना। तो एक्स माइनस वन को जीरो के इक्वल करोगे तो एक्स इक्वल टू वन आ जाएगा, है ना। तो यहां पे एक्स इक्वल टू वन मार्क कर दो और इस पॉइंट पे आप क्या कर दो एक वी शेप का ग्राफ ड्रॉ कर दो, यही आपका कर्व हो गया किसका वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन का, क्लियर है, वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन का। और अगर ये कर्व हमें पता है ना, ये कर्व अगर हमें पता है तो इसका हम डोमेन रेंज भी बता सकते हैं कि नहीं, बताओ इसका डोमेन कितना होगा, डोमेन कितना होगा आर, रेंज कितना, रेंज कितना होगा बताओ, डोमेन और रेंज कितना होगा बताओ जल्दी से, डोमेन तो आर दिख रहा है हमें, रेंज बताओ क्या होगा, रेंज बताओ क्या होगा जल्दी से, रेंज कहां से कहां तक होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग लाइट जलाओगे तो जीरो से लेके ऊपर की तरफ इंफिनिटी तक तरफ ये मूव करेगा, है ना। तो रेंज क्या हो जाएगा, डोमेन आर है और रेंज जीरो टू इंफिनिटी, क्लियर है सबको। और ये रेंज जो है हर एक टाइप के मॉड के लिए वैलिड है, ठीक है। किसी भी टाइप का आप मॉड कैलकुलेट करो सिंगल मॉड के केस में हमेशा आपका ये क्या आएगा जीरो टू इंफिनिटी ही आएगा, ठीक है। अब दो तीन कर्व में दे रहा हूं, आप जल्दी जल्दी इसको प्लॉट करके बताते जाओ, ठीक है, जल्दी जल्दी आप इसको प्लॉट करते जाओ, देखो कि ये सबका सेम आ रहा है कि नहीं, है ना। कर्व प्लॉट करना इजी है, मॉड एक्स प्लस वन वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो ब्रेकिंग पॉइंट कैलकुलेट करो, और ब्रेकिंग पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग वहां पे आप वी शेप कैलकुलेट करो, वी शेप आपको ड्रॉ करना है ना। क्यों, क्योंकि सिंगल मॉड का कर्व हमेशा वी शेप का ही होता है, ठीक है। बाकी आपको मॉड को ब्रेक करना आता है, आप मॉड को ब्रेक करके ओपन करके, है ना, लेक्चर में मैंने बताया है कि मॉड कैसे ब्रेक होता है और कैसे ओपन होता है ना। हर एक का आप ब्रेकिंग पॉइंट पहले कैलकुलेट करो, तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट कहां पे होगा एक्स इक्वल टू माइनस वन पे, इसका ब्रेकिंग पॉइंट कहां पे होगा एक्स इक्वल टू थ्री पे, इसका ब्रेकिंग पॉइंट कहां होगा एक्स इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू पे, है ना। और जिस ब्रेकिंग पॉइंट पे होगा उसी पे इसका क्या बनेगा वी शेप का कर्व बनेगा, देखो एक्स इक्वल टू थ्री उसी पॉइंट पे हमें वी शेप ड्रॉ कर देना है ना। तो मॉड का कर्व ड्रॉ करना क्या है बहुत इजी है, ये देखो माइनस थ्री बाई टू यहां कहीं होगा, ये मैंने ड्रॉ कर दिया वी शेप, क्लियर है। तो सबको ये ग्राफ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक चीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में मॉड के लिए बताया अभी के लिए कि मॉड का काम क्या है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, है ना। मॉड का काम क्या है
नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, ऑलवेज ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ग्राफ में भी आप देखो कि क्या इस ग्राफ का कोई भी पार्ट एक्स एक्सिस से नीचे है या नेगेटिव वाई में कहीं पे भी ये कर्व आपको दिख रहा है ना। इस वाले पार्ट में आप हर एक बॉन्ड के कर्व में आप ध्यान से देखो कि कोई भी कर्व आपका एक्स एक्सिस के नीचे में नहीं प्लॉट किया हुआ है ना। कर्व का कोई भी पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे में नहीं आएगा। क्यों? अगर ये एक्स एक्सिस में नीचे में आ गया, इसका मतलब उस पॉइंट पे वो क्या दे देगा या उस वाले पार्ट में वो क्या दे देगा, नेगेटिव दे देगा, है ना। लेकिन मॉड तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, है ना। मॉड क्या होता है? मॉड ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है ना। मॉड क्या होता है? मॉड ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो एक पॉइंट आप ये बना के लिख लो, मॉड इज, ये चीज हमने वहां पे भी आपको बताया था, मॉड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। मॉड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, और पॉजिटिव क्वांटिटी का मतलब ग्राफ के टर्म्स में क्या होगा, है ना, देयर इज नो पार्ट ऑफ ग्राफ विल बी बिलो दी एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि हमेशा आपका ग्राफ यहां से ऊपर ही बनेगा, ठीक है। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। वो देखोगे वो कर्व भी एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आता है, है ना, तो वो भी पॉजिटिव कर्व ही होता है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, ये दो पॉइंट अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस दो पॉइंट को यूज करके देखो हम ग्राफ में क्या चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है। हमारे पास ओरिजिनल कर्व क्या था? हमारे पास अगर मैं मॉड की बात करूं, वाई इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। तो मॉड क्या होता है? मॉड एक तरीके का ऑपरेटर है, ठीक है। ऑपरेटर का मतलब क्या हो गया कि आप कहीं पे भी मॉड यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास ये 5 नंबर है, ठीक है, और इस 5 में मैं अलग से, ठीक है, देखो ये 5 नंबर मेरे पास पहले से था, इस 5 में मैंने मॉड यूज कर लिया, ठीक है। तो ये मॉड यूज करने पे ये जो मॉड है इस 5 वाले जो पहले क्वांटिटी थी हमारे पास, इसको अब वो क्या देगा? हमारे पास 5 देगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? हमारे पास पहले से क्वांटिटी -2 थी और इस -2 में मैंने मॉड यूज किया, तो मॉड यूज करने के बाद ये नेगेटिव वाला पार्ट जो था इसको इसने पॉजिटिव बना के हमें वापस कर दिया, है कि नहीं। वैसे ही अगर इस वाले पार्ट को देखोगे कि हमारे पास पहले कर्व क्या था, y इक्वल टू x था, अब इस y इक्वल टू x में हमने क्या यूज कर लिया, x में मॉड लगा दिया, है कि नहीं। x में हमने क्या लगा दिया? मॉड लगा दिया। तो मॉड लगाएंगे तो ये इसको क्या बना देगा, इस टाइप का कर्व हमारे पास बन जाता है, ये जस्ट अभी हमने देखा था, है ना। तो अब आप इसके इनिशियल स्टेप में सोचो, ठीक है, पहले जब भी आपको मॉड दिया हुआ है तो आप क्या करो, मॉड को पहले हटा दो, ठीक है। तो अगर आप मॉड को हटाओगे तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या था, वाई इक्वल टू एक्स था, और वाई इक्वल टू एक्स हमें लाइन ड्रॉ करनी आती है कि नहीं, है ना। वाई इक्वल टू एक्स का कर्व ऐसा कुछ होता है, देखो वाई इक्वल टू एक्स का कर्व कुछ ऐसा होता है, ओरिजिन से पास करता है, ये सबको प्लॉट करना आता है, ये वाई इक्वल टू एक्स है, ठीक है। तो ये ओरिजिनली हमारे पास वाई इक्वल टू एक्स कर्व था, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस कर्व में हमने क्या किया, एक्स की जगह पे मैंने मॉड एक्स डाल दिया, है ना। इस वाले पार्ट में मैंने क्या यूज कर लिया, मॉड यूज कर लिया। तो मॉड यूज करने से इस ग्राफ पे क्या फर्क पड़ रहा है, उस चीज को एक बार समझने का ट्राई करो। तो हमें ये पता है कि मॉड क्या करता है, मॉड पॉजिटिव क्वांटिटी को कोई चेंज नहीं करता है, याद है आपको, और नेगेटिव क्वांटिटी में ये क्या करता है, इसको वो पॉजिटिव बना देता है, है ना। ये क्या है, मॉड का काम है, मॉड जो है वो इस तरीके से वर्क करता है कि अगर आप इसको कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी दोगे तो उसमें वो कोई चेंज नहीं करेगा, नेगेटिव क्वांटिटी दोगे तो वो उसको पॉजिटिव बना देगा। पॉजिटिव क्वांटिटी का ग्राफ में क्या मतलब होता है ना, पॉजिटिव क्वांटिटी का ग्राफ में क्या मतलब होता है, अगर आप ये समझने का ट्राई करो तो पॉजिटिव क्वांटिटी का ग्राफ में क्या मतलब होता है, इन टर्म्स ऑफ ग्राफ,
इन टर्म्स ऑफ ग्राफ जो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी वो ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट होगा, अबव द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के अगर ऊपर कुछ चीज ड्रॉ किया हुआ है इसका मतलब वो पॉजिटिव है कि नहीं, यही बेसिक डेफिनेशन होता है। और नेगेटिव क्वांटिटी कौन सा क्वांटिटी होगा जो बिलो द एक्स एक्सिस होगा, है ना, ये बेसिक डेफिनेशन है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव का ग्राफ के टर्म में, है ना। और मॉड का ये काम है, तो देखो मॉड का जो काम है वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव को कोई चेंज नहीं करता है। तो इस वाले ग्राफ में देखो, ये जो हमारे पास y इक्वल टू x का ग्राफ हमने यहां पे ड्रॉ किया, यहां पे देखो एक यहां से आगे वाला पार्ट क्या है, ये जो मैंने ग्रीन से ड्रॉ किया है ये वाला पार्ट क्या है, एक्चुअली में पॉजिटिव है, सबको समझ में आ रहा है, ये वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव है। और इसके नीचे वाला पार्ट जो ब्लू से है, ये देखो ये क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे है तो ये क्या है, हमारा नेगेटिव कर्व है कि नहीं। मॉड क्या करेगा, मॉड चेक करेगा कि भाई कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, मुझे ये बताओ। तो वो चेक करेगा कि ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव है, तो इस वाले पार्ट में क्या वो कोई चेंज करेगा, इस वाले पार्ट में क्या वो कोई चेंज करेगा बताओ मुझे, इस वाले पार्ट में क्या वो कोई चेंज करेगा, इस वाले पार्ट में क्या कर्व कोई चेंज करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव ऑलरेडी है। तो इस कर्व में तो मॉड का कोई इफेक्ट आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, क्यों दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि मॉड जो है वो पॉजिटिव में कोई चेंज नहीं करता है। और ग्राफ के टर्म में पॉजिटिव किसको डिनोट करता है, अबव द एक्स एक्सिस, है ना, तो ये क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है तो मॉड का इस वाले पार्ट पे कोई चेंज नहीं होगा, है ना। अब आते हैं सेकेंड वाले पार्ट पे, नेगेटिव वाले पार्ट पे। तो हमें यह पता है कि मॉड का काम क्या है, कि नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, है ना। और नेगेटिव क्वांटिटी हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ग्राफ में, जो एक्स एक्सिस के बिलो हो, ठीक है। तो अब देखो कि ये जो नेगेटिव क्वांटिटी है इसको इसे पॉजिटिव बनाना है, है ना। तो इसको वो पॉजिटिव कैसे बनाएगा, जो क्वांटिटी यहां पे है ये सिंपली इस कर्व को यहां से उठा के ऊपर की तरफ कर देगा, है ना। और यहां से उठा के ऊपर की तरफ करने का मतलब क्या हो गया, कि ये सिंपली जैसा कर्व यहां पे है वैसा ही इसका इस लाइन के अबाउट वो मिरर इमेज ले लेगा। मिरर इमेज समझ में आ रहा है, कि अगर आप इस एक्स एक्सिस पे एक मिरर डाल दो, है ना, अगर आप इस एक्स एक्सिस पे एक मिरर डाल दो तो इस वाले लाइन का ग्राफ ऊपर में आपको कैसा दिखाई पड़ेगा, ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा क्या। देखो जैसा ये कर्व है ये इसका कर्व क्या करेगा, डायरेक्टली इसके ऊपर प्लॉट कर देगा, है ना। तो ये एक्चुअली में क्या करता है, नेगेटिव का मिरर इमेज ऊपर ले लेता है। और y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ हमने यही देखा था कि v शेप में होता है, ओरिजिन पे होता है। क्यों ऐसा होता है, ये प्रोसेस आपको समझ में आया अब, है ना, प्रोसेस समझ में आया। जहां भी आपको कर्व दिया हुआ हो, है ना, तो मॉड का ग्राफ पे क्या फर्क पड़ता है वो लिख लो, है ना, इफेक्ट ऑफ मॉड ऑन द ग्राफ, है ना, इफेक्ट ऑफ मॉड ऑन द ग्राफ। तो ये इफेक्ट क्या करेगा, इसमें पहला पॉइंट है ना, ग्राफ विच इज अबव द एक्स एक्सिस, विच इज अबव द एक्स एक्सिस डज नॉट गेट चेंज, है ना, और ग्राफ विच इज बिलो द एक्स एक्सिस, विच इज बिलो द एक्स एक्सिस विल चेंज टू पॉजिटिव। और कैसे पॉजिटिव होगा, है ना, कैसे पॉजिटिव होगा, टेक द मिरर इमेज ऑफ ग्राफ विच इज बिलो द एक्स एक्सिस, है ना, जो एक्स एक्सिस के नीचे होगा, बस हमें उसका मिरर इमेज लेना है। टेक द मिरर इमेज ऑफ ग्राफ अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको उसका मिरर इमेज लेना, यानी मतलब क्या हो गया, कि आपको एक्स एक्सिस पे मिरर डालना है और जो नेगेटिव वाला पार्ट है सेम वैसा ग्राफ आप
ऊपर प्लॉट कर दो। क्लियर है, समझ में आ रहा है? सेम वैसा ग्राफ आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ प्लॉट कर देना है। ठीक है, अब देखो मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं ग्राफ का, और उसमें देखो कि मॉड का क्या इफेक्ट होता है वो हम ट्राई करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मुझे ये ग्राफ प्लॉट करना है y इक्वल टू, मान लो मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया, ठीक है, और मैं यहां से y इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो जब भी कहीं पे भी मॉड लगा हो, ठीक है, मॉड जब भी कहीं पे लगा हो तो आपको पहले क्या करना है, मॉड वाले पार्ट को भूल जाना है। ठीक है, आप इस इक्वेशन को किस तरीके से एज्यूम करोगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, मॉड को आप भूल जाओ और सिंपली y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को पहले आप प्लॉट करो। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व कैसा होता है, ऐसा कर्व होता है ना। अब इस वाले पार्ट में अगर आप मॉड यूज करोगे तो क्या इस वाले पार्ट में कोई चेंज होगा, इस वाले पार्ट में क्या कोई चेंज होगा, तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और ये y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर है, दोनों में क्या कोई चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, है ना। यानी ये दोनों चीजें क्या है, सेम है, दोनों का ग्राफ क्या होगा, सेम होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि कर्व ऑलरेडी एक्स एक्सिस के ऊपर है कि नहीं, कर्व क्या है, ऑलरेडी एक्स एक्सिस के ऊपर है। अगर मेरे पास कर्व कुछ ऐसा होता, ठीक है, मेरे पास कर्व कुछ ऐसा होता, ऐसा कर्व होता, और इसमें अगर मैं मॉड अप्लाई करता हूं, ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, अप्लाई मॉड, इसमें मैंने मॉड अप्लाई किया, ठीक है, मॉड अप्लाई करने के बाद ये कर्व आपको कैसा दिखेगा, इस वाले कर्व में अगर हम मॉड यूज करेंगे तो कैसा कर्व होगा, देखो ये वाला पार्ट यहां से यहां तक पॉजिटिव है, यहां से यहां तक पॉजिटिव है, तो इन दोनों पार्ट में तो वो कोई चेंज नहीं करेगा कर्व, है ना, इस दोनों पार्ट में वो कोई चेंज नहीं करने वाला है। क्यों, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी पॉजिटिव है। ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है, इस नेगेटिव वाले पार्ट को ये मॉड क्या करेगा, ऊपर भेज देगा, है ना। जैसा ये नीचे में था, सेम इस लाइन के अबाउट आप मिरर इमेज सोचो, यहां पे सोचो कि एक मिरर लगा हुआ है और इसका कर्व आप सेम ऊपर की तरफ इस तरीके से प्लॉट कर दो। ठीक है, तो ये देखो सारा कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर चला गया, है ना। तो मॉड क्या करता है आपको समझ में आ रहा है, अब मॉड का काम क्या है आपको समझ में आ गया, किसी भी टाइप का कर्व हो उस कर्व में अगर आप मॉड यूज कर लोगे तो मॉड उसको क्या करेगा, नेगेटिव वाले पार्ट को बस पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, जो ऑलरेडी पॉजिटिव है उसमें वो कोई चेंज नहीं करने वाला है, है कि नहीं, उस वाले पार्ट में वो कोई भी बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा, लेकिन जो उसको नेगेटिव दिखाई पड़ेगा वहां पे उसको वो पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, मैं कुछ क्लियर यहां तक सबको समझ में आया, समझ में, लेकिन ये सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, आपको मैथमेटिकली कैसे लॉग सॉल्व मॉड सॉल्व करना होता है वो सब चीजें भी आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको फाउंडेशन कोर्स का लेक्चर देखना कंपलसरी है। ठीक है, सब लोग जाके, जो लोग नहीं देखे हो इस वीकेंड में ट्राई करो, या अभी से ही जब भी आपके पास टाइम मिलता है लेक्चर्स कंप्लीट करते रहो और उसको सीखते रहो। ठीक है, क्योंकि वो सबका बहुत एक्सटेंसिव यूज होने वाला है। क्लियर है, तो ये मॉड का काम है, मॉड क्या कर रहा है वो हमें समझ में आ गया है। ठीक है, किसी भी टाइप का मॉड हो आप उसको प्लॉट कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एक और टाइप के फंक्शन पे, एक और टाइप के फंक्शन पे जिसको हम बोल रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस टाइप का होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस टाइप का होगा, वाई इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स, है ना, वाई इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स। ए क्या होना चाहिए, ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट भी मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूं, है ना, वहां पे मैंने इस टाइप के फंक्शन का मैंने कर्व नहीं बताया था, है ना, लेकिन आपको इस टाइप के इक्वेशन में कैसे सॉल्व करना होता है वो सब कुछ मैंने डिस्कशन किया हुआ है। तो ए क्या होता है, ए नॉट इक्वल टू जीरो और ए नॉट इक्वल टू वन। ठीक है, तो ए को हम नेगेटिव और सॉरी ये नहीं लेते हैं, और बाकी अब सब कुछ किया हुआ है। और इसी का एक स्पेशल केस होता है वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, है ना, तो आपको ये चीज अब समझ में आ रहा होगा, है ना। और ए को हम पॉजिटिव भी कंसिडर करते हैं, ठीक है, ए क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। ठीक है,
तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इस टाइप के कर्व का ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, तो आप याद रख लो इसको कि इस टाइप के हर एक कर्व का शेप कैसा होता है, इस टाइप का होता है। ठीक है, ये लिख लो, रेड वाले पार्ट से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये ऐसा कर्व होगा। ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा। ये y एक्सिस को कहां पे कट करेगा, तो y एक्सिस को कट करने के लिए x की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, जीरो। तो x की वैल्यू जीरो पुट होगी तो यहां क्या हो जाएगा, 0.1। a की वैल्यू हमने स्पेशल वैल्यू e पुट कर दिया है ना, तो e पुट कर देने पे भी कर्व का शेप कैसा होगा, कर्व का शेप इसी टाइप का होगा है ना, कर्व का शेप क्या होगा, इसी टाइप का होगा, सेम इसी टाइप का होगा। और कहां से पास करेगा, 0.1 से ही पास करेगा है ना। तो ये एक्सपोनेंशियल कर्व होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। हर एक टाइप का e की पावर या a की पावर का कोई भी फॉर्मेट हो उसका कर्व इसी तरीके का होगा। अगर किसी ने y इक्वल टू 2 की पावर x लिखा तो 2 की पावर x का कर्व भी कैसा होगा, इसी शेप का होगा है ना, 0.1 से ही पास करेगा ये भी। क्लियर है ना। तो एक्सपोनेंशियल टाइप का कर्व हमेशा इसी तरीके से बढ़ता है ना। इस तरफ देखोगे नेगेटिव एक्स में ये इंफिनिटी की तरफ हो रहा है, लेकिन ये कभी इसको टच नहीं कर पाता है ना, कभी इसको ये टच नहीं कर पाता है ना, तो इंफिनिटी पे जाके वो उसको मीट करता है। इस वाले फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है। रेंज आप क्या लिख पाओगे, रेंज बताओ क्या होगा इसका, 0 to infinity, जीरो पे ओपन होगा है ना, क्योंकि ये देखो जीरो पे कहीं इसको कट नहीं कर रहा है ना, तो जीरो पे कहीं ये कट नहीं कर रहा है, तो ये कर्व कैसा मूव करेगा, जीरो का कोई इमेज नहीं बनेगा, इसलिए हमने जीरो पे क्या लगाया, ओपन ब्रैकेट लगाया, और यहां से ऊपर की तरफ ये कर्व इस तरीके से मूव करता जाएगा है ना। तो एक्सपोनेंशियल कर्व आपको समझ में आ गया। वैसे ही तो ये y इक्वल टू e टू द पावर x का कर्व है, जो अभी आपको शीट में एक क्वेश्चन था y इक्वल टू e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का कर्व कैसा होगा, ऐसा होगा। अगर कोई हमसे y इक्वल टू e टू द पावर माइनस x का कर्व पूछेगा कैसा होगा है ना, तो e टू द पावर माइनस x का कर्व आप अभी के लिए याद रख लो कैसे होता है। ठीक है, जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको हर एक टाइप के कर्व को कैसे ट्रांसफॉर्म करना होता है वो चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस आप ये याद रख लो कि e की पावर x का कर्व ऐसा होता है, और अगर पावर में माइनस एक्स लिखा रहे तो ये कर्व बस इस तरीके से ऐसे मूव करता है ना, जो इस तरफ था वो अब इस तरफ से मूव करेगा, और ये अभी भी कहां से पास करेगा, 0.1 से ही पास करेगा। ठीक है, तो ये फिलहाल के लिए आपको ये दोनों कर्व का शेप याद रखना है। ठीक है, ई की पावर एक्स या ए की पावर एक्स के किसी भी टाइप का कर्व इसी शेप का होगा, और अगर ऊपर में e की पावर माइनस एक्स रहे है ना, तो जो इस तरफ से बन रहा है वो अब इस तरफ से ऐसा शेप बनेगा। ठीक है, क्लियर है सबको है ना। तो ये बस दो शेप आप याद रखो बस, ठीक है ना, बाकी अभी हम लोग आप उसको देख लोगे है ना। एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में देखना कि वहां पे भी आपको सेट ए दिया हुआ है y इक्वल टू ई टू दी पावर x, तो y इक्वल टू ई टू दी पावर x, और सेट बी है y इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस x, और दोनों का इंटरसेक्शन पूछ रहा है। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कशन किया था, इंटरसेक्शन मतलब क्या हो गया कि दोनों कर्व किसी पॉइंट पे कट कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। तो ये कर्व कहां से पास करता है, 0.1 से y एक्सिस को, और सेकेंड वाला e टू दी पावर माइनस x को प्लॉट करोगे तो वो भी कहां से पास करता है, 0.1 से ही पास करता है। तो ये किसका कर्व है, y इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स का कर्व है, और ये y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स का कर्व है। ठीक है, तो यहां पे आप देख पाओगे कि a इंटरसेक्शन b नॉट इक्वल टू फाइव होगा है ना, a इंटरसेक्शन b नॉट इक्वल टू फाइव होगा। और अगर कोई आपसे पूछता कि बताओ इस दोनों का कितने सॉल्यूशन होंगे, तो दोनों कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है ना। तो अगर कोई हमसे पूछता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, तो हम क्या बता पाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होगा है ना। तो अब्दुल बसीर अब समझ में आ गया 34, ठीक है, जिसको डाउट था 34 में है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन है। वैसे ही हम और भी बहुत सारे कर्व पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पे आपको धीरे धीरे करके ये सब चीजें समझ में आएगा।
ठीक है। तो ये दोनों कर्व आपको समझ में आ गया कि एक्सपोनेंशियल कर्व कैसा होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल कर्व का हमने डोमेन रेंज भी निकालना सीखा। अब ये बताओ कि अगर किसी ने एक्सपोनेंशियल कर्व में मॉड यूज कर लिया, ठीक है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल कर्व था, ठीक है, और इसमें अगर हम मॉड अप्लाई करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, इस वाले कर्व में अगर हम मॉड अप्लाई करेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, इस वाले पार्ट में अगर आप मॉड अप्लाई करोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों कर्व क्या है, ये वाला कर्व क्या है, ऑलरेडी पॉजिटिव है, है ना, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में अगर आप यूज करोगे मॉड तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये किसका कर्व है, y इक्वल टू ई टू दी पावर x का कर्व है, और अगर y इक्वल टू ई टू दी पावर x का मॉड ले लेते हो तो भी सेम ही कर्व होगा, है ना। तो इसलिए हम ई टू दी पावर x में मॉड लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर मॉड कहीं पे लगा भी हुआ है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं, मॉड का कोई यूज नहीं है हमारे लिए, लगाओ या नहीं लगाओ एक ही बात है, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है तो क्या करोगे लगा के, है कि नहीं, तो वहां पे मॉड का कोई यूज नहीं है, क्लियर है। तो ये आपको दो अलग के हमने फंक्शन पढ़े, मॉड एक्स वाला। एक और हम ग्राफ पढ़ रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं लॉगरिदमिक फंक्शन, ठीक है, लॉगरिदमिक का कर्व कैसे कैसे क्या होता है, ये सब कुछ हमने फाउंडेशन क्लास में लॉग वाले पार्ट में कवर किया हुआ है। जिस लोगों ने नहीं देखा है वहां पे जाके इस वाले चैप्टर को भी कंप्लीट करो, क्योंकि लॉग भी आपका बहुत एक्सटेंसिव यूज होता है, ठीक ना। फाउंडेशन क्लास में आपको जो सब चीजें पढ़ाई गई है वो सब इतना ज्यादा यूज होगा कि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, है कि नहीं। हर जगह पे लॉग और मॉड के क्वेश्चन इन्वॉल्व होते हैं। तो लॉगरिदमिक फंक्शन किस टाइप का होता है, वाई इक्वल टू लॉग ऑफ बेस में ए होता है और यहां पे एक्स होता है, ठीक है, लॉग में बेस में ए होता है और यहां पे एक्स होता है। और जब हमने लॉग को डिफाइन किया था, याद होगा आपको, जब हम आपको लॉग डिफाइन किया था फाउंडेशन कोर्स में, तो आपको मैंने यहां पे कुछ कंडीशंस बताई थी, है ना, कुछ कंडीशंस बताया था, और यही कंडीशन यहां पे क्या होता है, डोमेन के तरीके से ट्रीट होता है, ठीक है। तो अगर आपको इस फंक्शन का डोमेन निकालना है तो डोमेन में आप क्या लिखोगे, वही सारे कंडीशन लिखोगे जहां के लिए आपका लॉग क्या होता है, डिफाइन होता है। और लॉग कहां डिफाइन होता है, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, याद है आपको, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, और बेस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो और नॉट इक्वल टू वन, ठीक है। तो अगर कोई हमसे डोमेन पूछता है तो डोमेन में तो हम सिर्फ एक्स वाला पार्ट बताएंगे जहां जहां पे एक्स इन्वॉल्व है, है ना। तो इस वाले पार्ट में देखो एक्स सिर्फ यहीं पे है, तो हम सिर्फ कौन सा कंडीशन यूज करेंगे, ये वाला। अगर बेस में भी एक्स का टर्म होता तो हमें ये सारे कंडीशन भी अप्लाई करना पड़ता, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ये चीज समझना है कि डोमेन जो होता है लॉग के लिए इस तरीके से डिफाइन होता है, ठीक है। अब देखो वहां पे मैंने लॉग का आपको ग्राफ नहीं बताया था, ठीक है, लेकिन आपको लॉग को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको वहां पे अच्छे तरीके से बताया था। तो लॉग का ग्राफ जो होता है ना, लॉग का ग्राफ इस तरीके से वर्क करता है। जैसे आपका e टू दी पावर x का कर्व है ना, e टू दी पावर x का कर्व आपको याद है, जस्ट अभी ऊपर हमने ड्रॉ किया है। देखो e टू दी पावर x का कर्व जो ऐसा होता है ना, इसी कर्व को अगर आप y एक्सिस के अलोंग बना दो तो ये क्या बन जाएगा, log x का कर्व बन जाता है, ठीक है। तो देखो ये कर्व कैसा होता है log x का, है ना। जब हम लोग स्टार्टिंग में फंक्शन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फंक्शन में ग्राफ आपको दे रहा था चेक करने के लिए, तो उसमें ऐसा भी एक कर्व था, याद है कि नहीं, है ना। तो ये क्या होता है, log x का कर्व होता है, और यहां पे ये वाला पॉइंट कितना होता है, 0, 1, 0 होता है। तो ये कहां पे कट करता है ना, एक्स की वैल्यू अगर आप 1 पुट कर दोगे तो वाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये एक्स एक्सिस को कहां पे कट करता है, 1, 0 पे कट करता है, ठीक है। इसको भी मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये सब डिटेल में ऑलरेडी हमने किया हुआ है, ठीक है। तो ये कर्व आपका, इस कर्व के शेप को हमें याद रखना है, लेकिन यहां पे ए की वैल्यू पे डिपेंड होता है, ठीक है। ए की वैल्यू पे ये कर्व दो टाइप का होता है, ठीक है।
ये बेस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ बेस, ठीक है, बेस पे ये चीज डिपेंड करता है। जब आपका ए जो है वो वन से ज्यादा हो, वन से ज्यादा होगा तो ऐसा कर्व होगा, और जब वन से कम होगा, जब ये वन से कम होगा तो आपका कर्व कैसा बन जाता है, जब वन से ज्यादा होता है तो उस तरीके का होता है, और जब वन से कम होगा तो ये कर्व इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और कहां से पास करता है, 0.1 से ही पास करता है। तो ये किसका कर्व है, ये भी y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए का ही कर्व है, और ये भी किसका कर्व है, y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए का ही कर्व है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जब a की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी या बेस की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, और ये वाला जब बेस की वैल्यू 1 से कम होगा। बेस की वैल्यू 1 नहीं हो सकता क्योंकि हमने डोमेन में डिफाइन किया हुआ है, क्लियर है। तो लॉग में जब भी आप लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो लॉग का ग्राफ देखोगे तो हमेशा आप ये ध्यान रखना कि लॉग दो टाइप का होगा, ठीक है, एक बेस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे मैं अगर एग्जांपल के थ्रू लूं, अगर कोई हमें ये कर्व प्लॉट करने के लिए दे दे y इक्वल टू एक्स बेस टू, तो मैं कैसा प्लॉट करूंगा, इस शेप का प्लॉट करेंगे, है ना, तो ये कैसा होगा, इस टाइप का कर्व होगा। अगर किसी ने हमसे ये बोला कि y इक्वल टू लॉग ऑफ 1/3x दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर कोई हमसे इसका कर्व प्लॉट करने के लिए बोलता है तो हम किसके तरह प्लॉट करेंगे, इसके तरह प्लॉट करेंगे, क्यों, क्योंकि बेस क्या है इसका, लेस देन 1 है, और दोनों केस में ये कहां से पास कर रहा है, 1.0 से ही पास कर रहा है, ठीक है। तो ये दो चीज आप ध्यान रखना। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं लॉग में मॉड यूज कर लू, ठीक है, लॉग में मॉड यूज कर लू, अगर मैं लॉग वाले पार्ट में, ये हमारे पास कर्व है, अगर इस वाले कर्व में हम मैं ये यूज कर लू, ये वाला हमारे पास कर्व है, और इसमें मैं मॉड अप्लाई करता हूं, ठीक है, अप्लाई मॉड, यानी ये हमारा इक्वेशन किसका है, वाई इक्वल टू लॉग ए बेस एक्स, यहां पे हम ए को वन से ज्यादा लेके चल रहे हैं इसलिए हमने कर्व ऐसा बनाया, और मैं कर्व किसका बनाना चाह रहा हूं, वाई इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग ए एक्स, है ना, वाई इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग ए एक्स, तो y इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग ए एक्स में ये क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा, तो जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उस वाले पार्ट में तो ये कोई चेंज नहीं करेगा, तो ये वाला पॉइंट कितना है, 1.0 है ना, तो 1.0 से आगे तो कर्व सेम ही रहेगा, है कि नहीं, 1.0 से यहां पे कहीं पे 1.0 होगा, तो 1.0 से आगे कर्व उसी टाइप से आगे बढ़ रहा होगा, लेकिन इससे कम वाले पार्ट में देखो कर्व नीचे जा रहा है, तो कर्व नीचे जा रहा है तो ये इसको क्या करेगा, यहां पे आप मिरर डालो, है ना, यहां पे आप मिरर डालो और इसको देखो कि ये इसका इमेज ऊपर में किस तरीके से बनेगा, है ना, तो इमेज आपको देखना आता है, इमेज आप अगर देख पा रहे हो तो ये कर्व कुछ इस टाइप का बन जाएगा, है ना, तो मॉड अप्लाई करने से कर्व कैसा बन जाता है, ये किसका कर्व है, वाई इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग ए एक्स, क्लियर है, वाई इक्वल टू मॉड लॉग ए एक्स, है कि नहीं। अब देखो वाई इक्वल टू, अभी क्लियर है, ठीक है, तो मैं बस यही बोल रहा था कि वहां तक आपका कंप्लीट हो गया था, ठीक है, मैं बस कुछ होमवर्क्स लिख रहा था, देख लो आप, है ना, तो जितने भी मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं उन सब में आपको करना क्या है कि आपको उसमें मॉड अप्लाई करना है, सबका आपको ग्राफ पता है, आप ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद आप उसमें मॉड अप्लाई करके देखो कि उस पर क्या फर्क पड़ रहा है ना, हर एक टाइप का कर्व आपको पता है कि कैसा क्या होता है। y इक्वल टू लिखते जाओ आप सारे क्वेश्चन और सब में आपको मॉड अप्लाई करके मुझे बताना है कि क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई इक्वल टू, है ना, बेसिकली हम लोगों ने इसी टाइप के कर्व्स बस पढ़े हैं, e टू दी पावर माइनस एक्स 7th y इक्वल टू लॉग ऑफ हाफ ऑफ x, लॉग x बेस हाफ, है ना, ठीक है, नेक्स्ट
क्वाड्रेटिक हो गया। लाइन का इक्वेशन कुछ लिख लेते हैं, वाई इक्वल टू 2x+3 है ना, 4x+3 कर लो। कर्व को प्लॉट करो और फिर उसमें आप मॉड अप्लाई करो, ठीक है। तो हर एक कर्व में बस आपको ये जितने भी कर्व आपको लिखे हुए हैं सब में आपको मॉड अप्लाई करके ग्राफ प्लॉट करना है, फिर उसका डोमेन रेंज वगैरह देखना कि क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। तो यहां तक हम अभी रख रहे हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आपका होमवर्क के लिए आपके पास होमवर्क है, जो आपका जेई वाला शीट मिला हुआ है, ठीक है। उस शीट को आपको एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करना है, ठीक है। अब आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और जो प्रैक्टिस शीट मिला है आपको, ठीक है, प्रैक्टिस शीट में अप टू क्वेश्चन नंबर 10, 5 क्वेश्चन और है, ठीक है। ऑलरेडी 1-5 आप लोग कर चुके हो, बस 5 क्वेश्चन और है, वो सारे क्वेश्चन आप ट्राई करना, फिर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये सारा ग्राफ है, और भी कुछ कुछ ग्राफ्स हैं, है ना, तो वो सारा ग्राफ्स भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन जिन लोगों ने ये चीज नहीं पढ़ा है, मॉड और लॉग वाला पार्ट, ठीक है, ये दोनों चीजें आप लोग जितनी जल्दी हो सके कवर करो, क्योंकि अभी उसका यूज नहीं होगा। अभी हम उसका यूज बस ग्राफ के पर्पज से ही करेंगे, लेकिन आगे चल के वो काफी एक्सटेंसिव यूज होने वाला है। तो उस टाइम के लिए आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर रहो कि कभी भी ऐसा कुछ कंडीशन आता है तो हम क्वेश्चंस को ऑलरेडी अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप कंप्लीट करो, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं, ठीक है। कल हम लोग और कुछ अलग अलग टाइप के ग्राफ पढ़ेंगे, है ना। तो फिर हम लोग इसको यहां पे अभी रख रहे हैं, आप लोग आगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। चलो बाय।